मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं, उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक माय हस्बैंड हैज नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to, so basically ये मेरे husband का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को repeated warnings दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने repeated warnings दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। I'm sure जिन सबकी औलादे हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इतकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इतकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान नियाजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान, हु इज द सिस्टर ऑफ उज़्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी नोज देयर रेप्यूटेशन, एवरीबडी नोज व्हाट होम रेकर्स दे आर, हाउ कैन यू इवन साइड विद सच वेमेन, देयर होम रेकर्स। 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया। इस हालत में पकड़ता कोई भी एक्शन लेता। आई जस्ट वॉन्ट कुत्ते कमीनी कंजरी और अफेयर चला मेरे हस्बैंड के साथ। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ हुज़ैफ़ा टॉक्स। उम्मीद है कि आप सब होंगे खैरियत से और यह दुआ है कि आप सब रहो खैरियत से। तो ये जो मैंने स्टार्ट में आपको एक क्लिप दिखाया है, ये किसी एक्शन मूवी का सीन नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है और इस पाकिस्तान का सोशल मीडिया इसी बहस के ऊपर लगा हुआ है और पाकिस्तान की वेली कॉम को एक नया इशू मिल गया है ट्वीट्स करने के लिए, ट्रेंड्स बनाने के लिए, शेयर करने के लिए और 2-3 दिन का यहाँ पर अच्छा गुजारा हो जाना है इनका इसी बहस के ऊपर। अब ये वीडियो वायरल किस लिए हुई है? वायरल ये इसलिए हुई है कि ये
वीडियो जो है ये एक ऐसे शख्स की बेटी की है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठेकेदार है, एक बिजनेस आइकून है, मलिक रियाज। अगर ये उसकी बेटी ना होती, किसी आम वडेरे का बेटा होता या बेटी होती, वो किसी के घर के अंदर घुस जाता, किसी को जाकर मारता पीटता जो करता, तो ये वायरल नहीं हो रही थी। तो अब मेरे मासूम पाकिस्तानियों को बड़ी हमदर्दी हो रही है इस मॉडल के साथ कि हाय हाय इसके साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, बेचारी को जाके पीट डाला है, उसके ऊपर तेल फेंक रही है, उसको आग लगाने की कोशिश कर रही है, उसको मार रही है, क्या जालिम खातून है, विलन है और ये है और वो है, और ट्वीट्स ही ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स ही ट्वीट्स। जो मॉडल है उस्मा खान जिसके साथ ये सारा रोला हुआ है, मैं जो उसकी हमदर्दी में बिल्कुल वीडियो नहीं बना रहा, ना मुझे उसकी हमदर्दी है, क्योंकि भाई एक बात तो क्लियर है कि ताली एक खा से नहीं बजती, कोई खाम खा इतना पागल नहीं है कि इतना जाके रोला डाल दे, वो भी खाम खा। कोई ना कोई इशू तो ज़रूर होता है, और यहाँ पर कुछ और पिक्स भी आ रही हैं, क्लिप्स भी आ रही हैं, वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर पंगा तो दोनों तरफ से होगा। तो पाकिस्तानी कौम ये तो रोना छोड़ दे कि इसके साथ ज्यादती हुई है, ये बेचारी है, कोई बेचारी बेचारी नहीं होगी, मसला तो होगा, इतना मासूम तो ये भी नहीं होगी, जानो शोना लगा रहता होगा, चुम्मा चाटी होती रहती होगी, और ये गिफ्ट विफ्ट और आईफोन सब कुछ चलता रहता होगा। बट मसला क्या है? मसला वही है जो सालों से इस मुल्क के अंदर चलता आ रहा है कि माइट इज राइट। जिसके पास थोड़ी सी पावर है वो अपने से निचले तबके को इंसान समझता ही नहीं है, सारा नशा पावर का है। यहाँ पर तो कोई 16वें ग्रेड का ऑफिसर वो 14वें ग्रेड के ऑफिसर को इंसान नहीं समझता, कोई सरकारी मुलाजिम हो तो किसी प्राइवेट जॉब करने वाले को इंसान समझता नहीं है। ये तो फिर एक ठेकेदार की बेटी थी, और ठेकेदार भी कोई मामूली नहीं था जो कि मीडिया चैनल्स को ऐसे खरीद लेता है, बड़े बड़े एंकर्स को, बड़े बड़े दूसरे पुलिस मैन को, ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को ऐसे अपने इशारों के ऊपर नचवाता और अपने काम निकलवाता है। कभी कोई कर्नल की बीवी आती है और ऐसे बैरियर को ठुड्डे मार कर कहती है कि हटाओ चूतियों, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है, मैं तुम्हारे सूबेदार को उठा के फेंक दूंगी, क्योंकि मेरा जो कर्नल है वो तुम्हारे सूबेदार का बाप है, वो रैंक में उससे ऊपर बैठे, तो क्या उखाड़ लिया उसका, 4 दिन ट्वीट ही किए ना, अब वो ट्वीट्स बंद हो गई हैं और ठेकेदार की बेटी आ गई है, 4 दिन ये ट्वीट्स होगी, तो जब तुमने कर्नल का कुछ नहीं कर लिया तो इसका भी क्या कर लोगे सिवाय इन ट्वीट्स के और अपना गला फाड़ने के। जब तक लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक इस मुल्क का कानून स्ट्रांग नहीं होगा, वो अमल नहीं करेगा। ऐसे एक क्या 100 वाकयात होते रहेंगे यार, ऐसे लोग रोज पिसते हैं इस मुल्क के अंदर, क्योंकि पहली दफा नहीं हो रहा, ये कानून चला आ रहा है और चला रहेगा, ये एक सोच है। मैंने जैसे पहले कहा है, वो जो मॉडल है उस्मा खान है जो भी है, मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये निज़ाम क्यों इस मुल्क के अंदर कि जिसके पास भी पावर है वो आकर ठुड्डा मारता है, उसके लिए कानून अंधा हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई गरीब होता चोरी करने जाता तो उस वक्त उसको इस टाइम तक लितर भी पड़ चुके होते, उसके ऊपर केस भी हो चुके होते और उसको मार मार कर शायद मार भी देते पुलिस वाले, लेकिन यहाँ किसी की जरूरत नहीं होगी कि जाके हाथ लगाएं। क्यों? कि पैसा है। मीडिया क्यों खामोश है? ये फेमिनिस्ट क्यों खामोश हैं 35-36 जो कि बड़े वुमन राइट्स के नारे लगाती हैं, अब कहाँ हैं वो? ना कोई मीडिया बोलेगा क्योंकि उनको एड्स चाहिए, ना कोई फेमिनिस्ट बोलेंगी क्योंकि एक पावरफुल शख्स बैठा है, एक लॉबी बैठी है जो उनको पैसा देता है। तो ये 4 ट्वीटें करने से यहाँ पर काम नहीं होगा, जब तक इस मुल्क का कानून ठीक नहीं होगा ये सारा कुछ चलता रहेगा। ये सोशल मीडिया की गेम है और मीडिया मीडिया और ये इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये सब कुछ खा जाते हैं। अगर कोई केस बन भी जाता है तो ये अगले दिन निकल आते हैं, या जो जेल के अंदर इनको सहूलियात मिलती हैं वो एक आम इंसान के तसव्वुर से, सोच से भी ज़्यादा है। तो ये सब चलता रहता है, कानून को ठीक करने की ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो यार लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।